friends, in our last lecture we discussed about expansion and contraction. बेटा expansion और contraction के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे expansion और contraction जो है वो अक्सर होती है जब हम heat up करते हैं किसी भी solid को, liquid को या gas को, ठीक है जी, तो उसके ऊपर किस तरह से expansion जो है वो अक्सर होती है, ठीक है जी. Let's start today's topic. और टुडेज टॉपिक इज प्रेशर इन गैसेस. गैसेस में बेटा प्रेशर कैसे कॉज होता है और उसकी जो रीज़न है वो क्या है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, आज के टॉपिक में हमने वही डिस्कस करना है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन, हाउ इज गैस प्रेशर प्रोड्यूस्ड. गैस प्रेशर किस तरह से बेटा पैदा होता है. आंसर देखिए, व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब बेटा गैस को हीट अप किया जाता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, देयर विल बी मोर प्रेशर इन साइड द कंटेनर, तो उसके कंटेनर के अंदर जो है वो प्रेशर वो ज़्यादा होता है, वो बढ़ जाता है. सो गैस प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग. इसका मतलब है कि गैस प्रेशर कैसे पैदा हो रहा है बेटा, हीटअप करने से, गर्म करने से, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन हाउ एयर प्रेशर कीप्स अ बैलून इन्फ्लेटेड. कैसे एयर प्रेशर जो है, हवा का जो प्रेशर है, दबाव है, वो किसी भी बैलून को फूला हुआ रखता है, उसकी वजह से कैसे एक बैलून जो है वो फूलता है. व्हेन अ बैलून इज ब्लोन अप, जब हम बेटा बैलून को के अंदर हवा भरते हैं, फूंक मारते हैं, द गैस प्रेशर इज यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. तो गैस प्रेशर जो है वो बहुत से लाखों जो हवा के मॉलिक्यूल हैं उसकी मदद से यूज़ होता है. दैट आर ब्लोन इन टू द बैलून, जो कि हम बैलून के अंदर जाते हैं विद आवर ब्रेथ. जैसे हम फूंक मारते हैं तो हमारे हर सांस के साथ मिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर के ज़रिए से बैलून के अंदर धकेले जाते हैं, ठीक है जी. द मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड इन एवरी डायरेक्शन, वो मॉलिक्यूल जो बैलून के अंदर जाते हैं वो तो बेटा हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है. बाउंसिंग ऑफ ईच एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और वो ना सिर्फ एक दूसरे से टकराते हैं गैस मॉलिक्यूल, बल्कि बैलून की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उनसे भी टकराते हैं. ईच टाइम अ मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल, हर दफ़ा जब कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जाके बैलून की वॉल से टकराता है, इट गिव्स अ टाइनी पुश, तो ऐसा लगता है कि वो छोटी सी पुश उसको दे रहा है, यानी बहुत हल्का सा उसको धक्का लगा रहा है. जाहिर है वो छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, इसलिए वो टाइनी पुश देते हैं. मिलियंस ऑफ टाइनी पुशेस, इस तरह मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल मिलकर जब हल्का हल्का पुश करेंगे, एड अप टू वन बिग पुश, तो वो क्या हो जाएगा, एक बड़ी पुश बन जाएगी, एक बड़ी धकेल बन जाएगी, एक बड़ा दबाव बन जाएगा. दैट इन्फ्लेटेड द बैलून, जिसकी वजह से बैलून जो है वो फूल जाएगा, ठीक है. मीन्स जब हम हर सांस के साथ इतने ज़्यादा लाखों मॉलिक्यूल्स को पुश करते हैं, तो उनकी वजह से बैलून जो है वो उस पुश की वजह से इन्फ्लेट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बैलून इज इन्फ्लेटेड, जब एक बैलून फूलता है, वेयर डू यू थिंक द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट, इनसाइड और आउटसाइड. तो आपका क्या ख्याल है कि हवा का जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ बैलून के अंदर ज़्यादा होता है या बाहर ज़्यादा होता है. देखिए बेटा, एयर प्रेशर इज हाइएस्ट इनसाइड द इन्फ्लेटेड बैलून, किसी भी फूले हुए बैलून के अंदर हवा का दबाव ज़्यादा होता है. इफ़ द प्रेशर आउटसाइड वॉज हायर, अगर बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता, देन द बैलून विल बी स्क्वैश और डीफ्लेटेड, तो बैलून या तो फट जाता या उसमें से हवा निकल जाती एंड लूज इट्स शेप, और उससे क्या होता है, उसकी जो शेप है वो लूज हो जाती, उसकी शेप ख़त्म हो जाती. द हायर एयर प्रेशर ऑन आउटसाइड विल पुश ऑन द बैलून, अगर बाहर की तरफ एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बैलून को पुश करेगा अंदर की तरफ, ठीक है जी, मेकिंग इट कोलैप्स इनवर्ड, और उससे वो अंदर की तरफ धकेला जाएगा. आपने कभी ये तो नहीं देखा ना, बैलून फूलता है तो बैलून जो है वो बाहर की तरफ फूलता है, अंदर की तरफ तो नहीं आपने धकेले हुए देखा ना. बेटा मैं इसकी एग्जांपल आपको बुक से दिखाना चाहूँगी, एक सेकेंड. ये देखिए, इस केन में बेटा जब इसमें एयर पुश की जाती है, हवा का दबाव अंदर की तरफ बढ़ जाता है, तो ये जो है इसकी शेप सही हुई है.
लेकिन जब इसमें से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है किसी भी वैक्यूम पंप की मदद से या एयर पंप की मदद से या वैसे ही, तो क्या होता है, ये देखिए अंदर की तरफ पिचक गया है ये केन, ठीक है जी, यहाँ से भी डी शेप हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि इस केन के बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर कम है, हवा का दबाव अंदर कम है, इसलिए अंदर की तरफ हो गया है। ऐसा आपने कभी भी बैलून के साथ तो नहीं देखा ना, इसका मतलब है कि बैलून के अंदर जो है वो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है और आउटसाइड जो है वो एयर प्रेशर कम होता है। थैंक यू सो मच क्लास, रिवाइज ऑल द क्वेश्चन। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बुक वर्क देखेंगे। थैंक यू सो मच।